700 करोड़ रुपए के आसपास का लाभ कमा रहा है टोरेंट कंपनी, वो उसकी जेब भरी जा रही है पूंजीपतियों की, जिससे हमारे ये जो बिल है भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जो स्टैंडिंग कमेटी में गया है, ये जन विरोधी बिल है, ये राष्ट्र विरोधी बिल है, ये भारत के बिजली के कर्मचारियों के हित में विरोधी है। क्योंकि अगर निजीकरण होगा न सिर्फ आम उपभोक्ता बल्कि बिजली महंगी होगी, देश की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, देश की लोकतंत्र व्यवस्था बिगड़ेगी और देश के मजदूरों का कर्मचारियों का शोषण होने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आजाद भारत के बाद जब 1948 में बिजली कानून आया था तो बिजली कानून कल्याणकारी योजना के तहत देश में राष्ट्रीयकरण व्यवस्था हुई थी, जिसके कारण पूरे देश में विकास की एक परिकल्पना की। लेकिन आज आप देखा होगा, एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जब 2019-20 में COVID-19 आया था, पूरे देश में निजी संस्थाएं घर में बैठी थी, ऐसे समय में बिजली के लोग, सार्वजनिक सेक्टर के लोग लगातार अपने प्राणों की कुर्बानी देकर भी कार्य कर रहे थे। यह दर्शाता है आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में चाहे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, महाराष्ट्र नागपुर या बिहार में जहां भी निजीकरण के प्रयोग किए गए थे, बुरी तरह फेल हुए। इसलिए हमारा यह मानना है कि अगर ये निजीकरण व्यवस्था होगी, देश की बिजली व्यवस्था मांगी होगी, देश की तमाम व्यवस्थाएं मांगी होंगी, आम जनमानस जो है इससे प्रभावित होगा। इसलिए ये लोकतंत्र विरोधी बिल को वापस लिया जाए। इसीलिए देश के कोने कोने से 27 राज्यों से लाखों लाख कर्मचारी आपके बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका जो है हित की बात करते हैं, लेकिन सबका जो है साथ लेकर के कुछ लोगों का जो है हित करने की बात कर रहे हैं, केवल दो लोगों को कर रहे हैं, जो अडानी और अंबानी इस देश को पूरा कब्जा करने। इसलिए हमारी मांग है इस बिल को वापस किया जाए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखा जाए। इसीलिए हम यहाँ पर आपके बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे? बिल वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे? अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो देश के पूरे भारत के सुबह सुबह में ये आंदोलन सड़कों पे उतरेगा। ये केवल बिजली का आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन में बदलेगा। ये कर्मचारियों का आंदोलन होगा, ये छात्रों का आंदोलन होगा, आम जनता का आंदोलन होगा, किसानों का आंदोलन होगा, हर एक नागरिक का आंदोलन होगा सड़कों पे हम उतरने का। आंदोलन बिल वापस कराने के लिए एक साल प्रदर्शन हुआ था तो बिल वापस ले लिया गया था, क्या आप एक साल प्रदर्शन करेंगे? निश्चय उससे ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी नहीं देश की जनमानस और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी। इसलिए जिस स्तर पे जाना होगा 100% सड़कों पर उतरेंगे। ये व्यवस्था देश को बेचने की व्यवस्था है। आजादी के बाद देश में राष्ट्रीयकरण, देश के विकास की परिकल्पना का परिमार्जन था, आज देश को बेचने की जो व्यवस्था है ये कतई देश के हित में नहीं है। अगर ये व्यवस्था चालू होगी, मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले दिनों रेलवे तमाम विभागों का जब निजीकरण हो रहा था, उत्तर प्रदेश में, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल डिस्काम को भी बेचने का काम सरकार कर रही थी। पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत से लोगों ने लड़ा और पूर्वांचल के निजीकरण रोकने का काम किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग हैं। आने वाले दिनों में कम से कम अगर बिजली क्षेत्र को निजीकरण किया जाएगा, 100% सड़कों पर उतरेंगे और आपको लेकर के उतरेंगे, मीडिया के लोग उतरेंगे, जनता को लेकर निकले, इसी बात को लेकर हम आपके बीच में। निजीकरण से क्यों नाराज है, क्या इसमें घाटा है? देखिए ऐसा है, निजीकरण के कई प्रकोप पहले भी प्रदेश सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने किए, जो पूर्णतः विफल साबित हुए हैं। आपके लिए उदाहरण के तौर पे आगरा का निजीकरण ले लीजिए आप। आगरा का निजीकरण जो है 2010 में हुआ था, उसी क्षण कानपुर का भी निजीकरण होना था, परंतु नहीं हुआ। आज दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आज की डेट में कानपुर 8 रुपए की बिजली बेचकर सारा का सारा पैसा सरकार को देता है, जिससे आम जनमानस को लाभ होता है। वहीं प्रति वर्ष 2200 करोड़ रुपए के आसपास का लाभ कमा रहा है टोरेंट कंपनी, वो उसकी जेब भरी जा रही है पूंजीपतियों की, जिससे हमारे आम जनमानस का कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो वायदे किए गए थे जब आगरा में निजीकरण हुआ तो कुछ समझौते साइन हुए, बोला गया कि भाई आपको रेगुलेटरी सरचार्ज का 220 करोड़ रुपए सरकार को देना है। आगरा के टोरेंट ने आज तक वो पैसा सरकार को नहीं दिया है, लगातार निरंतर महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है। पैसा हुआ क्या? पैसा पूंजीपतियों की जेब में गया है, जो हमेशा की तरह होता है। और ये निजीकरण जो कार्य है सिर्फ पूंजीपतियों को और अमीर करने का कार्य है, और हम इसका मुखर होकर विरोध करते हैं। निजीकरण देखिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी सिर्फ मुनाफा करने के लिए आती है,
वो जनसेवा करने नहीं आ रही है, वो वेलफेयर नहीं है। जब किसान की फसल खड़ी होगी धान की ना, वो उसी क्षण ट्यूबवेल का कनेक्शन काटेगी जिससे फसल सूख जाए। तो निश्चित तौर पे निजीकरण ना प्रदेश हित में है, ना देश हित में है, ना जनता के हित में है।